अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहु आदिशान। दोस्तों, आज बहुत ही आसान और सादा सा एक पोस्टर बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। अगर पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये है पिक्सल लैब। इसको ओपन करते हैं, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था उसको मैंने ख़त्म करा है। दोबारा इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करते हैं। ऊपर ये डिलीट वाला निशान लगा हुआ है, आपको मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। डिलीट वाला ऑप्शन उस पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड लेने के लिए कहाँ जाना है, ये बीच वाले बटन पर चले जाना है। यहाँ निशान लगा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने चले जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कोई सा बैकग्राउंड ले लेना। मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये देख। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ टिक वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम दोबारा शेप वाले बटन पे जाते हैं। ये देखें, ये शेप वाला बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने ये वाली शेप ले लेनी है। इसके बाद आपने स्टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इसको हम कलर कौन सा देना चाहते हैं, इसको हम कलर वही जो हमने बैकग्राउंड में दिया है वही देना चाहते हैं। इसको कलर हम वही देना चाहते हैं जो हमने बैकग्राउंड में दिया है। चले जाते हैं कलर वाले बटन पे, इसको हम कलर वही देना चाहते हैं, ये वाला कलर। उसके बाद हम इसके एक और कॉपी ले लेते हैं। इस कापी वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कापी ले लेते हैं। इस कापी को हमने यहाँ से इसको इस तरफ कर देते हैं, ये सफ़ेद वाला बटन ऊपर ले जाते हैं और जो दूसरा है उसको नीचे ले आते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। इसको यहाँ पे ऐसे ही बना के रख देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम ये देखें, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और उसके बाद हमने इन दोनों जगहों पे टिक लगा देना है। ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ नीचे मर्ज कर देना है इनको, ठीक है, मारे वाले ओके कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद इसका फ़िलहाल काम नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो ऊपर आँख वाला बटन नज़र आ रहा है ये देखें, निशान लगा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो इसको गुम कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक फिर हमने एक शेप ले लेनी है। हम एक शेप ले लेते हैं, यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। इस शेप को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा करके यहाँ हम इसको रख लेते हैं। उसके बाद इस स्टिक वाले बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ये देखें, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसको हम क्या कर रहने देते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक और शेप ले लेनी है। इस शेप वाले बटन पे हम चले जाना है, इस यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं। इसके बाद हमने ये ट्राइंगल वाली शेप ले लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, टिक लगा देना है। और उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और उसका कलर हम कैसे, इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं। और इसको हम यहाँ से पकड़ कर इसको हम ऐसा ही कर देते हैं, थोड़ा सा बारीक, इसको हम बहुत ही बारीक कर देते हैं। आप देखते रहें, आप इसी तरह आपने करना है। यहाँ से इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, और उसके बाद यहाँ ऊपर वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना है। और इन दोनों को आपस में क्या मर्ज करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया पहले, यहाँ पे आपने इसको मर्ज कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ ये देखें, जी आर एस वाला कलर नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने इसको इनेबल कर लेना है। और उसके बाद इस पेंसिल वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो इसको जो है आपने यहाँ काले वाले निशान पर ले आना है। उसके बाद ये टिक वाला बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एक शेप आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और हम शेप ले लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं। इसको हमने क्या करना है, छोटा सा इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। और इसको छोटा सा करने के बाद इसके ऊपर हम इसको रख लेते हैं, ठीक है।
इसके ऊपर हम रखने के बाद यहाँ पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, ये देखें ये वाला बटन है, इसके ऊपर आपने चले जाना है। उसके बाद इस प्लस वाले बटन पे आपने चले जाना है और यहाँ पेंसिल वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ हम लिखते हैं अखलाक अच्छा होना चाहिए, क्या लिखते हैं हम, यहाँ हम लिखते हैं अखलाक अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना, अखलाक अच्छा होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना है। उसके बाद आपने इस ओके वाले बटन पे ऊपर जो देख रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ ले आएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से फॉन्ट लगा देंगे। ये ए बी वाले बटन पे आपने चले जाना है, यहाँ से आपने ए बी पे क्लिक कर देना है और यहाँ हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा अखलाक वाले बटन पर चले आते हैं और यहाँ माई फॉन्ट में आपने चले जाना है, अगर आपने डाउनलोड फॉन्ट कर रखे हैं तो, नहीं तो फिर आपने कोई और फॉन्ट लगा देना है। यहाँ से मैंने एक फॉन्ट लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम आपने याद कर लेना है, ये देखें नफीस रुका रेगुलर, ये रुका रेगुलर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अखलाक वाला तो ये आ गया और उसके बाद जो आगे वाला है चलो उसको हम जो है ना, उसके बाद हमने जो अच्छा अखलाक है इसको हमने देना है अल कलम नकवी नस्ल एक फ़ोन, ये देखें इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ऊपर क्लिक कर देना है, ये हमारे पास आ गया है, इसको हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा सा नज़र आए। ये देखें यहाँ मैंने इसको लिख लिया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं और कुछ लिख लेता हूँ, नेक काम करो, नेक काम करो। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ अच्छे अखलाक बनाओ, अच्छे अखलाक बनाओ, अखलाक बनाओ। उसके बाद मैं लिखता हूँ बुरे लोगों से बचो, बुरे गलत हो गया, बुरे लोगों से बचो। बुरे लोगों से बचो, नेकी कर दरिया में डाल, कर दरिया में डाल, इसी तरह आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इस ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से और उसके बाद आपने यहाँ चले आना है एलाइन वाले बटन पे, ये देखिए इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद इसके ऊपर आपने इसको अनेबल इसको नहीं करना है, यहाँ बस आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम फॉन्ट में चले जाते हैं, ये देखें यहाँ से ये फॉन्ट कहाँ है, फॉन्ट में आपने इसको अल कलम नकवी नस्तलीक वाले फॉन्ट लगा लेना है, ये वाला। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें, ठीक है। मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हम उसको ले आते हैं जो हमने पहले गुम किया था, ये निशान, ये देखें जे आगे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये जो है ना ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से फिर दोबारा यहाँ लेते हैं। अब देखें इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसी तरह हम इसकी कॉपियां ले आते हैं।
एक कापी ले आएंगे, इसको पकड़ कर हम यहाँ रख देंगे। और कापी ले आएंगे, इसको पकड़ कर हम यहाँ रख लेंगे। और कापी ले आएंगे, ये देखें, ये हमारा पोस्टर अभी तैयार हो चुका है। और उसके बाद आप जो कुछ लिखना चाहें और लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये देखें, ये सेव वाला बटन ऊपर निशान आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप सेव कर लेंगे। इसके ऊपर आपने सेव एज इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आप मीडियम पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप उम्मीद काफ़ी है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली